गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खुशनुमा ज़िंदगी। और मैं हूँ रिजु। कल ही मैंने अपना फर्स्ट वीडियो अपलोड किया है और ये मेरा सेकंड वीडियो है। तो मैंने सोचा आज मौसम बहुत अच्छा है, बहुत ठंडी हवा चल रही है। इस वक्त शाम के लगभग 6:30 बजे हैं, तो थोड़ा सा नेचर वॉक कर ली जाए और आप भी मेरे साथ चलिए। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे घर का पिछवाड़ा है, बैक एरिया। और ये जो डॉगी है यहाँ पे, ये हमारा डॉगी है। इसका नाम है ओरियो। देख रहे हैं आप, लकड़ी लेके मुंह में चबा रहा है वो कुछ। देखिए, ये बच्चों ने इसको, एक्चुअली ये छोटा सा पपी था, इसको रेस्क्यू किया। इसको बच्चों ने ही पाला है, डॉटर्स ने ही पाला है। अब ये इतना बड़ा हो गया, बिल्कुल छोटा, मेरे ख्याल 2 या 3 दिन का पपी होगा जब ये उन्हें मिला था। देखिए आप, और मैं आपको दिखाती हूँ। पता नहीं आप देख पा रहे, नहीं देख पा रहे, एक पीहन है। वो एक्चुअली मेरा कैमरा शायद ठीक से कैप्चर नहीं कर पा रहा है, बट यहाँ पे बर्ड्स वगैरह आवाज़ें शाम के वक्त सब सुनाई देती हैं। नेचुरल ग्रीनरी देखें आप, और शायद आप चिड़ियों की आवाज़ें भी सुन पा रहे हो। देखिए चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी। चलिए हम बाहर की तरफ चलते हैं। मैं बाहर आ गई हूँ दोस्तों। देखिए मैं आगे बढ़ रही हूँ और मैं आपको दिखा दूँ, ब्यूटीफुल ग्रीनरी। लोग वॉक कर रहे हैं। दोस्तों सामने जो पेड़ नज़र आ रहा है, देख पा रहे हैं आप, वो मेरा फेवरेट स्पॉट। मैं अक्सर आके उस पेड़ के नीचे बैठती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है उस पेड़ के नीचे बैठना। देखिए कितना हरा भरा, ग्रीन, कितना खूबसूरत पेड़ है। देख रहे हैं आप, ये देखिए यहाँ चारों तरफ कितना सुंदर, मतलब सुंदर दृश्य है, और चारों तरफ ग्रीनरी है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसा लगता है जैसे किसी पिकनिक स्पॉट पर आ गए हूँ। देखिए, चलिए अब मैं काफ़ी थक गई हूँ, मुझे लगता है थोड़ी देर बैठना चाहिए। हम बैठ कर बातें करते हैं। लेट मी सिट। अब मैं बैठ गई हूँ थोड़ी देर, बस चलते चलते सांस फूल गया, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अच्छा लग रहा है यहाँ बैठना। और बताएं आप लोग कैसे हैं, कैसा रहा आज का दिन? आज संडे था, होपफुली आप लोगों ने अच्छे से इंजॉय किया होगा ये दिन। वर्किंग लोगों के लिए तो स्पेशल डे होता है, बट हाउस वाइफ के लिए सब डे इज़ नॉर्मल। बल्कि संडे को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे भी घर पर होते हैं, पति महाशय भी घर पर होते हैं, तो डिमांड्स होती हैं उनकी अलग अलग तरीके की, खाने को लेकर, सभी चीज़ों की। तो पूरा करते करते हाउस वाइफ तो थक जाती है।
मुझे लगता है संडे हाउसवाइफ्स के लिए तो स्पेशल नहीं होता। हाँ, जो वर्किंग है, जिनको थोड़ा सा ब्रेक मिलता है, उनको भी वैसे घर के काफ़ी काम करने पड़ते हैं। संडे वाला दिन होता है जब वो काफ़ी काम निपटाती हैं, बट स्टिल रूटीन लाइफ से थोड़ा हटके लगता है ना, थोड़ा डिफरेंट लगता है। बट हमारे लिए तो नॉर्मल डे। चलिए, कल का मैं आपको एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरा जो फर्स्ट मैंने अपना वीडियो अपलोड किया कल, तो वैसे मैं बिल्कुल बुद्धू टाइप्स हूँ दोस्तों, आप भी हंसेंगे, अब मुझे भी हंसी आ रही है कि कल मैंने वीडियो रात में शूट किया था। फिर मुझे एडिटिंग वगैरह का तो कुछ नहीं पता, कोई नॉलेज नहीं है, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि भाई आप इसे एडिट करके अपलोड कर दीजिए। तो मेरे हस्बैंड ने ही एडिटिंग की और उसे अपलोड किया, तो करते करते मतलब काफ़ी लेट हो गया। और जब वो प्रोसेसिंग में था तो वो शो कर रहा था कि मतलब 40 मिनट्स रिमेनिंग, और उसके बाद धीरे धीरे मैं बार बार जा जा के चेक कर रही थी कि अपलोड हुआ अपलोड हुआ अपलोड हुआ, 30 मिनट्स रिमेनिंग, मोर 20 मिनट्स रिमेनिंग, ऐसे करके चल रहा था। तो मैं ये सोच रही थी, अब मुझे हंसी आ रही है, कि जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड होगा, पता नहीं कितने लोग मेरा वीडियो देख लेंगे, कितने व्यूज़ मुझे आ जाएंगे, कितने सब्सक्राइबर मुझे मिल जाएंगे। तो मैं यही सोच के, जानते हैं आप, रात भर मैं चेक करती रही, 1-1 घंटे बाद कि देखती हूँ किसी ने देखा, किसी ने मुझे सब्सक्राइब किया, व्यूज़ मिले नहीं मिले। इट वॉज़ सो फनी। फिर सुबह जब उठी, सबसे पहले फ़ोन उठाया और देखा तो कोई व्यूज़ नहीं, नो सब्सक्राइबर, नो व्यूज़। बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई। तो फिर मुझे लगा, मैंने सोचा, फिर हस्बैंड के साथ भी डिस्कस किया, फिर उन्होंने समझाया कि एकदम से थोड़ी होता है, धीरे 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 करके लोग तुम्हें देखेंगे और यूट्यूब भी तुम्हें प्रमोट करेगा। अभी तो तुम्हारा फर्स्ट वीडियो है, तो तुम इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस बनाओ, डालो, तो देखो तुम्हें रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। तो उनसे मुझे फिर थोड़ी मोटिवेशन मिली, तो मैं यहाँ बैठी हूँ आपके सामने दोबारा से। अभी मैंने आपको नेचर वॉक भी कराया, अब देखिए कितनी अच्छी जगह पे बैठी हूँ मैं, चारों तरफ ग्रीनरी और हवा चल रही है, आप देख सकते हैं मेरे बाल उड़ रहे हैं, और मैंने देखिए आज भी झुमकी पहनी है, देख पा रहे हैं आप, और वही मेरी बिंदी विदाउट एनी मेकअप, और ये मेरी वॉच, मेरी फेवरेट, मैं हमेशा पहन के रखती हूँ। और वो देखिए, नेचर, ग्रीनरी, और क्या बात करें, अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है बात करने को, क्योंकि अभी आप लोगों ने मुझसे बात करना स्टार्ट नहीं किया है, कोई कमेंट भी नहीं आया है मुझे, और ना ही किसी ने मुझे कोई मेल किया है कि मैं जिस उस बारे में कुछ डिस्कस कर सकूं या कुछ हम बात कर पाएं। तो मैंने अपना यही एक्सपीरियंस बताया आपको, जो एक्चुअल में मेरे साथ हुआ यूट्यूब को लेकर। अब यहाँ पे कुछ बच्चे पीछे, देखिए देख रहे हो, ये मुझे बड़े अजीब तरीके से देख रहे हैं बच्चे कि मैं अकेले फोन लेके बातें कर रही हूँ बट मैं अपना काम कर रही हूँ। कुछ लोग भी अभी पीछे से निकल कर गए देखते हुए, आपने देखा होगा। तो मैंने आपको कहा था कि हर वीडियो के एंड में मैं आपको एक गाना सुनाऊंगी, तो आज जैसे कि ये बहुत ही प्यारा सा मौसम है, खुशगवार, तो एक रोमांटिक सा सॉन्ग सुनाऊं मैं आपको। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना, तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल।
मुश्किलों से फिर संभलता है दिल, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। आई होप आपको मेरा सॉन्ग पसंद आया होगा, और चलिए आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे वीडियो को शेयर करें। आप लोगों से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं अच्छे अच्छे वीडियो बना पाऊँगी। और मेरा ये चैनल जिसका नाम है खुशनुमा ज़िंदगी, और मेरा मोटिव आपकी लाइफ को खुशनुमा बनाना, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करना। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म कर देना, बट कोशिश करूँगी कि मैं आपसे बातें करूँ, आप मुझसे बातें करें और हम एक बहुत अच्छे दोस्त बन पाएँ। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सब्सक्राइब करें और मुझे मौका दें कि मैं अच्छे अच्छे वीडियोस बनाकर आपके सामने हर बार आऊँ। और मुझे फरमाइश भी भेजें कि कौन सा सॉन्ग आपको पसंद है, तो मैं वही गाना आपको गाऊंगी। अभी तो मैं अपनी मर्ज़ी के गाने गा रही हूँ जो मुझे अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जब आप मुझे बताएंगे कि आपको कौन सा पसंद है, मैं वही गाना आपके लिए गाऊंगी। ठीक है दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस लाइफ, इन्जॉय लाइफ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, बाय बाय।